एक ऐसी फंगिसाइड खुद तैयार करिए जो है इतनी जबरदस्त कि किसी भी बीज का शोधन इससे कर सकते हैं और बीज उगेगी भी बढ़िया और रहेगी रोग मुक्त। आइए शुरू करते हैं फंगिसाइड बनाना। तो फंगिसाइड बनाने के लिए सबसे पहले जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो जरूरी है मदार आक अकौआ के पत्ते। मदार आक अकौआ के पत्ते यदि आपके अगल बगल हो, 2-4-5 किलोमीटर में हो, तो उसे आप तोड़ लीजिए। जैसे मैंने तोड़ के इकट्ठा किया है, देखिए इसको मैं तोड़ लूँगा और इसे तोड़ने के बाद छोटे छोटे इसको एक एक करके, ये देखिए एक एक करके मैं इसको तोड़ता जाऊंगा और तोड़ करके बहुत सारे पत्तों को इकट्ठा कर लूँगा। और इकट्ठा करने के बाद अब मैं आगे की विधि बताता हूँ कि कैसे मैं इसको बनाऊंगा एक फंगिसाइड, एक ऐसा फंगिसाइड जिससे आप आलू का शोधन करें, किसी बीज का शोधन करें, आप कोई जड़ शोधन करें या जड़ जनित बीमारियां हो उसमें दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं फंगस पे, इसके साथ साथ भूमि का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरह हम पत्ते तोड़ लेंगे। पत्ते तोड़ लेने के बाद आइए मैं बताता हूँ कि आगे मैंने किया क्या। हमने लिया एक भगोना, एक पुराना सा भगोना है बर्तन, और उसमें जितना आपको ज़्यादा तैयार करना हो उस हिसाब से तैयार कर लीजिए। इस तरह मैंने पत्तों को तोड़ दिया और इसमें मुझे इससे एक मग्गा फंगिसाइड चाहिए, तो मैं लगभग इसमें 3-4 मग्गा पानी डाल दूंगा, पानी लपटा तो इसमें पानी डाल दूंगा और इसे उबलने दूंगा। कब तक, देखिए आग जल रही है, इसे उबलने दूंगा कब तक, जब तक कि पानी का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। जब पानी का कलर चेंज हो जाए तो समझ लीजिए आपकी फंगिसाइड बन के तैयार हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैं पानी डालता हूँ और सारा कुछ आपको एक एक करके बताता हूँ कि कैसे बनता है ये। ये हम देखिए इस तरह इसको फुल कर देंगे पानी से। दोस्तों देखिए ये अब तैयार होने के कगार पे है, हमने बहुत उबाला और अब देखिए पानी का जो कलर है वो बिल्कुल बदल गया है। आप देखें पानी का कलर बदल गया है। थोड़ी देर हम इसको और रखेंगे। देखिए ये हमारी फंगिसाइड जो मैं बना रहा था ये बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए सब बन के निशानी क्या है, इसका कलर बिल्कुल जो है चेंज हो गया है, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, ये जो पत्ते हैं इसको इस तरह तोड़ लीजिए, इस तरह निचोड़ लीजिए। अब इसको हम अब ये देखें ये है, अब इसको हम फेंक देंगे यहाँ। फिर इसी तरह पूरे पत्तों को गालेंगे हम। अब इसे क्या करेंगे, 15 लीटर पानी में, कम से कम 250 ml, ये 15 लीटर पानी में 250 ml इसको डालेंगे। ये हमारा घोल लगभग 1.5 से 2 लीटर के आसपास घोल हमारा तैयार है, यानी 15 लीटर पानी में हम इसको 250 ml डालेंगे और डाल करके आलू को, देखें आलू को जैसे भिंगाया है उस तरह आलू को भिंगो देंगे। यदि आंखें आलू में, जैसे अभी हमारे आलू में आंखें नहीं आई हैं, तो क्या करेंगे इसे बाल्टी में लेकर के गोद के निकाल देंगे, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। और यदि आंखें आ गई हैं तो स्प्रे पंप में 15 लीटर में आधा लीटर डाल लीजिए और डाल करके खूब बढ़िया से भिंगा दीजिए। आपकी फंगिसाइड से आलू का शोधन फ्री में तैयार है। कि आलू यदि आंखें, मैं बार बार कह रहा हूँ आंखें आ गई हों, तो इस तरह न शोधित करें। देखिए आलू डाल करके मैं छोड़ दूंगा, दो बेटा आलू डाल करके मैं छोड़ दूंगा, इसमें 5 मिनट छोड़ूंगा। 5 मिनट में पानी का कलर बिल्कुल हरा है और 5 मिनट बाद ये जो है तैयार हो जाएगा, सुधाई इसकी हो जाएगी और फिर मैं इसकी बुआई करूंगा, ठीक है। तो इसका लागत जो है बिल्कुल शून्य है, कोई लागत नहीं है और आप इसे कई एकड़ की फसल को सोच सकते हैं। पहले लेवल पे आप बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़े से खेतों में आलू को शोधित करके ये ज़रूर देख लें कि ये कितना अच्छा काम करता है, ताकि इन फ्यूचर आपका भविष्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और खेती में देखिए खेती फायदेमंद तभी होगी जब हम उसकी लागत को घटाएंगे। लागत कैसे घटेगी, बहुत सारे किसान जो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये का फंगिसाइड प्रति एकड़ ला के शोधित कर रहे हैं, यदि हम नेचुरल फंगिसाइड शोधित करें तो उससे काम भी ज़्यादा करेगा और लागत भी आपकी कम आएगी। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, मैं निकालना शुरू कर रहा हूँ। मैं बाल्टी में इसलिए कर रहा हूँ कि इस आलू की अभी आंखें बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं,
यदि आंख आपके आलू की तैयार हो तो इस तरह शोधित मत करिएगा, आंख टूटेगी तो आपको नुकसान होगा। आप क्या करिएगा कि 15-20 लीटर की जो टंकी आती है उसमें दवा बना लीजिएगा और उसको बना करके पूरे आलूओं को भिंगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आंख टूटेगी भी नहीं और शोधित भी आपका आलू हो जाएगा।